योर क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने लास्ट चैप्टर जो आपका लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें चैप्टर का लास्ट हमने टॉपिक था हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जाना था, यानी लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक इस प्रकार से था, जैसे हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल तो हमने इसको डिवाइड कर दिया गया था थ्री पार्ट्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बायो डायग्राम समझा था, न्यूक्लियस के बारे में हमने बायो डायग्राम समझा, साइटोप्लाज्म के बारे में हमने समझा। क्योंकि साइटोप्लाज्म में हमने प्रीवियस वीडियो में साइटोप्लाज्म से संबंधित थे, हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझा। अब इसको भी साइटोप्लाज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और सेल इंक्लूजन्स। अब ये लास्ट है आपका, तो सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेन्स होते हैं, वो तो लिविंग होते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होगा स्टूडेंट्स, रिजर्व फूड कैसा है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, रिजर्व हो गया स्टार्च के रूप में। तो आइदर या तो कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन्स ऑफ पोटैटो, ट्यूबर सेल्स, और या ग्रेनुअल्स, एग्जाम्पल ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। इन ह्यूमन में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, प्लांट्स में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें फैट सेल्स में तो ड्रॉपलेट्स, एग्जाम्पल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स इन फैट सेल्स, अंडरस्टैंड। तो रिजर्व फूड के रूप में स्टोर होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्टूडेंट्स। अब हमने सब सेल की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो उसमें एक वैक्यूल बनी थी। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होती है, कंपेयर करें एनिमल सेल की तो बिग होती है। तो ये वैक्यूल भी क्या है, एक प्रकार का नॉन लिविंग मटेरियल होता है। तो अ वैक्यूल इज फॉर्म ऑफ आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं वैक्यूल, एंड अ लिक्विड इनसाइड कॉल्ड शेल से, और जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो क्या होता है, शेल से। अब रिजर्व फूड तो हमें पता चल गया, वैक्यूल क्या करती है, ये क्या होती है, वैक्यूल यानी न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर पुश्ड नियर द सेल वॉल। जो वैक्यूल्स होती है तो ये क्या करती है, एक प्रकार से जो सेल की शेप होती है, मेंटेनेंस होता है, उसमें हेल्प करती है रिजर्व फूड और वैक्यूल। तो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स सेल इंक्लूजन्स के, तो फंक्शन है आपके टर्गर प्रेशर बनाए रखती है, यानी कि मेंटेनेंस करती है टर्गिटी ऑफ द सेल, टर्गिटी ऑफ द सेल, अंडरस्टैंड। यानी सेल शेप एक्सर्ट्स एंड आउटवर्ड टर्गर प्रेशर which maintains the turgidity of the cell, while vacuoles act as storage sacks of water, minerals, आपका sacks of water, minerals, amino acid, sugar, organic acid or toxic metabolites etc. Do you understand? इसी प्रकार से ये सेल इंक्लूजन्स हैं, तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा अमीबा में, पैरामीशियम में, उनमें वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। तो इसी प्रकार से ये वैक्यूल का सेल इंक्लूजन्स का हमने यहाँ पर समझा, किस प्रकार से सेल इंक्लूजन, यानी कि हमने जिस टॉपिक से स्टार्ट करा था वही टॉपिक लास्ट में हमारा सेल इंक्लूजन ये एंड हुआ। तो ये जो प्रोटोजोन्स में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, वो क्या करते हैं, वो भी मेंटेनेंस करते हैं वाटर बैलेंस को। डू यू अंडरस्टैंड, तो ये भी क्या कहता है, मेंटेनेंस करता है सेल इंक्लूजन्स जो होते हैं आपके रिजर्व फूड और वैक्यूल्स, इसमें मेंटेनेंस टर्गिटी ऑफ द सेल, अंडरस्टैंड। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, प्रीवियस वीडियोज में जितने थे इससे संबंधित था सर।
नेक्स्ट में आप नेक्स्ट चैप्टर को आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।